मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय। मध्य प्रदेश में चार दिन तक भारी बारिश के असर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। शुक्रवार रात को मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है। वही शनिवार सुबह से बूंदाबांदी का दौर जारी है। भोपाल में भी शुक्रवार रात में रिमझिम बारिश हुई, तो शनिवार सुबह मौसम सुहाना बना हुआ है। धूप नहीं खिली और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो रही है। मौसम केंद्र भोपाल की माने तो एमपी में आगामी 3-4 दिन तक भारी बारिश के असर हैं। जी हां दोस्तों, इस बार मानसून ने जून के दूसरे सप्ताह में ही मध्य प्रदेश में अमर दे दी थी। शुरुआती कुछ दिन पूरे प्रदेश में मानसून छा गया, लेकिन इसके बाद बारिश नहीं हुई। अब बंगाल की खाड़ी से सिस्टम बनने से भोपाल इंदौर सहित पूरे प्रदेश में तेज बारिश होने के असर है। जी हां दोस्तों, सागर में शुक्रवार शाम को झमाझम बारिश हुई थी। शनिवार सुबह से मौसम साफ है। गुना जिले के कई स्थानों पर शुक्रवार शाम को बारिश हुई थी। सागर में तेज बारिश हुई। गुना शहर में बारिश नहीं हुई। खंडवा में शनिवार सुबह मौसम साफ है, लेकिन शुक्रवार को जिले के कुछ स्थानों पर बारिश हुई थी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर जीडी मिश्रा के अनुसार आगामी दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश की शुरुआत होगी। निवाड़ में 13 से 16 जुलाई के बीच तेज बारिश होने का अनुमान है। जी दोस्तों, करीब आधे मध्य प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हुई है। इनमें छतरपुर, दामोह, पन्ना, टीमागढ़, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, खंडवा, खारगोन, शिवपुरी, अगर बालाघाट, चंबल संभाग शामिल है। इसके अलावा दामोह, पन्ना, अलीराजपुर, भिंड, दतिया, मुरैना, शिवपुर में आधी से भी कम बारिश हुई है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार आगामी दिनों में प्रदेश भर में भारी बारिश होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।